राधे राधे सभी को। गुलाब जामुन तो हम मिठाई के तौर पर खाते ही हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध शाही गुलाब जामुन की सब्जी की रेसिपी। बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे झटपट गुलाब जामुन की सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट। यहाँ पर हमने मिक्सी जार लिया है, इसमें हमने एक बड़ा रफली चॉप किया हुआ प्याज लिया है। 8-10 हम इसमें लहसुन के गले डालेंगे। लहसुन और प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना खाओ तो इसे स्किप कर दीजिए। इस तरह से हमने इसे दर दरा पीस कर लिया है। हमने यहाँ पर 2 रफली चॉप किए हुए टमाटर लिए हैं, इसमें हम थोड़े से काजू डाल देंगे। 1 इंच हम इसमें अदरक का टुकड़ा डालेंगे। 2-3 हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। इसका हम एक सॉफ्ट पेस्ट बनाकर लेंगे। ये देखिए क्रीमी पेस्ट बनकर ये तैयार हो गया है। इस तरह से पेस्ट बनाते हैं तो सब्जी में एकदम क्रीमी टेक्सचर आता है। पैन हमने गरम करने के लिए रखा है, इसमें हम 1-2 चम्मच घी डालेंगे। घी में सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हम इसमें हींग डालेंगे। अब हम इसमें प्याज और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे भुनेंगे, बस हल्का सा भुनना है, तब तक घी सेपरेट ना हो। यहाँ पर हमने 5-6 चम्मच फ्रेश दही लिया है, इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर डाला है, 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है, नमक हम इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर कर हम साइड में रख देंगे, तब तक मसाले अच्छे से फूल जाएंगे। देखिए प्याज अच्छे से भुन गए हैं, साइड से घी छूट गया है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। लो फ्लेम पर अच्छे से भुनना है। अब हमने जो गुलाब जामुन रखे हैं चाशनी में डालते हैं, तो इस तरह से वही गुलाब जामुन हमने बिना चाशनी में डाले हुए साइड में रखे। गरम गरम दूध में हम इसको डालकर 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, ताकि गुलाब जामुन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब ये ग्रेवी में डाले तो जल्दी से ग्रेवी अंदर तक गुलाब जामुन पी ले। ये देखिए अच्छे से घी साइड में से छोड़ दिया है, अच्छे से ये भुन गए। अब हम इसमें दही में जो मसाला बनाया था ना हमने, मिर्ची नमक हल्दी सब डाला, वो उसमें डाल देंगे। अब कंटिन्यू हम इसे चलाते रहेंगे इसी तरह से, ताकि दही फटे ना। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ग्रेवी को हमने मीडियम रखनी है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। 2 हमने बड़ी लंबी कटी हुई हरी मिर्च डाली है, सिर्फ कलर के लिए, ये ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची नहीं है। ये देखिए ग्रेवी हमारी एकदम परफेक्ट बन गई है। अब गुलाब जामुन भी हमारे एकदम सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें ग्रेवी में डाल देंगे। अब हम इसमें 1/2 कप ये दूध है इसमें डाल देंगे। 5-6 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से 1-2 बॉईल ले लेंगे, ताकि अच्छे से गुलाब जामुन सॉफ्ट हो जाए। इसी तरह से आप भी अपने घर पर बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ये देखिए 5-6 मिनट के बाद गुलाब जामुन की साइज डबल हो गई है। अब हम इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धनिया डाल देंगे। ये देखिए एकदम क्रीमी क्रीमी टेक्सचर लगता है, और खाने में बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी लगती है। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। ये देखिए स्पून से हम आपको तोड़ के दिखा रहे कितने सॉफ्ट बने हैं, और ग्रेवी अंदर तक एकदम पी ली है गुलाब जामुन ने। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ खाइए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।